जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो है ये अरेबिक कैलीग्राफी पर होगी और इसमें मैं आपको अरेबिक के हरूफ लिखकर दिखाऊंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अरेबिक के आप हरूफ किस तरह से लिखेंगे और इनकी बाकायदा लंबाई, इनकी मोटाई जो है वो आप लोगों को आज बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप अरेबिक सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ अपनी जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोग इस तरह का सेम टू सेम लिख सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अगर आप एक मिसाल है एक पहली बार लिखते हैं या दूसरी बार लिखते हैं, अगर आप सेम लिख ना पाए तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, क्योंकि कोई भी बंदा एक ही बार में जो है वो नहीं सीख पाता, जबकि इसकी मुसलसल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 1, 2, 4, 10, 20 बार जब आप लिखेंगे तो आप लोग बेहतरीन लिख सकेंगे, क्योंकि जिस तरह से अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैंने भी इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है, तो मैंने इसको एक ही दिन में नहीं सीखा था। तो लिहाजा आप परेशान नहीं होइएगा, आप इसको बाकायदा लिखने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों की राइटिंग जो है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी।
जी दोस्तों, तो आज का हमारा अरबी का जो ये लेसन था पहला, ये कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बहुत आसानी के साथ मैंने आप लोगों को इन हरूफ को लिखना बताया है, इसके अलावा इनके जो बकायदा कट लगा दिए हैं कि आप इनको कितना लंबा खींच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ, या जो अरबी लिखना जो है सीखना चाहते हैं उन लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इसी तरह की मजीद वीडियो जो है वो मिलती हैं, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको फौरी नोटिफिकेशन मिले। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।